हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं 9.5 का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको क्वेश्चन में ये सॉल्व करना है कि शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस एंड सॉल्व ईच ऑफ देम। अगर ये होमोजेनियस इक्वेशन है तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले आप इसको dy/dx की फॉर्म में लिखेंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 1+e^xy है, तो हम इसको क्या करेंगे, dy की जगह dx/dy करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1+exydx इज इक्वल टू -exy1 -xydy, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। अब आप ये वाला जो फंक्शन है dx के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे dx और ये dy इस साइड आ जाएगा इज इक्वल टू -e^xy मल्टीप्लाई में 1 xy / 1+e^xy, ठीक है। ओके बेटा, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास किसका है, x का है, इसलिए जो पार बनी है वो भी आपके पास क्या है, xy है, ठीक है बेटा। तो ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन इस तरह से आई है कि हमें इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, हाईएस्ट पावर नहीं देखनी पड़ेगी कि जो x की हाईएस्ट पावर है यहाँ पे वो क्या है, 1 है, तो उसे आप डिवाइड करेंगे। ऑलरेडी फंक्शन जो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में है, तो आप लिखेंगे इसको, इट इज इन द फॉर्म ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप पुट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू वी, तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई वी, और यहाँ पे अब आपको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड आपके पास उसका डेरिवेटिव, तो वो आ जाएगा डी वी अपॉन डी वाई, फिर आपके पास प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, अब y के रिस्पेक्ट पे है तो y क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, सो सेकेंड फंक्शन एज इट इज, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब आप पुट करेंगे डी एक्स डी वाई की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन, पुट dx upon dy is equal to y dv upon dy plus v in first equation, okay? First equation में value put करेंगे, फिर आपके पास y dv upon dy plus v is equal to minus, अब ये भी आपने जो x y y इसी को v put किया है, यहाँ पे v डालेंगे, 1 - v अपॉन में आ जाएगा 1+e^v, ठीक है। ओके बेटा, चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप लगाएंगे इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा y dv/dy इस साइड और v चलेगा इस साइड, -e^v 1, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, अब आ जाएगा -eb+ve^v, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 1+e^v और ये v इधर आके क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है, यहाँ पे ये इससे चला जाएगा माइनस हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई होके v और ये आ जाएगा -v e^v 1+e^v, ये कैंसिल हो गया आपके पास, ठीक है। ये आ जाएगा y dv/dy -e^v - v अपॉन में 1+e^v, ये आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये इधर फर्स्ट ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये dv आ गया आपके पास और ये dy अपॉन y आ गया। ओके बेटा, चलिए यहाँ से आप जो माइनस है ये माइनस कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो ये आ जाएगा 1+e^v
माइनस में प्लस बी, ठीक है, क्लियर है, हमने माइनस यहाँ से कॉमन लेके बाहर कर दिया, ये आ जाएगा डी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा लॉग, क्या आ जाएगा आपके पास, लॉग वाई, ओके लॉग वाई आ गया, और साथ में आप देख रहे हैं ये आ जाएगा लॉग सी, ओके यहाँ भी बेटे अगर हम देखें इसी का डेरिवेटिव ऊपर चल रहा है, ठीक है, तो यह हम लॉग ले लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस लॉग ई बी प्लस बी, ओके तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू लॉग वाई और ये हो जाएगा सी, ठीक है, और यहाँ से अगर हम ये ले लें लॉग ई की पावर बी प्लस बी माइनस वन इज इक्वल टू लॉग वाई सी, और लॉग से लॉग कैंसिल आपका, ये आ जाएगा e की पावर b क्या है y अपॉन x, x अपॉन y, x अपॉन y, और ये हमारे पास है x अपॉन y, ठीक है, ये आ गया आपके पास इज इक्वल टू वाई सी, ओके चलिए आप इस साइड का आपने नोट कर लिया है, ये वाला कर लिया, चलिए यहाँ पे इसकी पावर माइनस वन भी है वो भी लेके चलेंगे आप, ठीक है, ये आ गया, अब यहाँ पे y नीचे है ना, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे आप y पूरे फंक्शन के साथ e की पावर एक्स वाई, यहाँ पे रखें अभी फिर प्लस आपके पास क्या है x अपॉन में y इज इक्वल टू वाई सी, ओके अभी आपकी होल की पावर क्या चल रही है माइनस वन चल रही है इसकी पावर, तो माइनस वन रखेंगे, अब आप इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, माइनस वन इसकी पावर है इसलिए रेसिप्रोकल हो जाएगा वाई, और साथ में मल्टीप्लाई में ई की पावर एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई सी, अब ये वाई है जो इधर का कट जाएगा, ठीक है, वाई जो है ऐसे नहीं काटना, आप ऐसे भी काट सकते हैं, इसको नीचे ला सकते हैं, ठीक है, ये y साइड आके कट जाएगा, वन अपॉन y e की पावर एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई सी, ये y नीचे आ गया कट गया आपके पास, ओके फिर अगेन आप क्या करेंगे c को इस साइड ले आएंगे, ये आ जाएगा आपके पास y e एक्स वाई प्लस एक्स, ठीक है, अब बेटा आप इसको लिख सकते हैं ये हमारा किसके इक्वल है कांस्टेंट, तो आप लिखेंगे वेयर 1 बाय c इज इक्वल टू c, तो ये आ जाएगा y e की पावर xy प्लस x इज इक्वल टू c, दिस वन इज आंसर, ठीक है, ओके होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल, थैंक यू।